डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग क्लास फाइव का मैथ एक्सरसाइज 83, जो इसमें कई पार्ट बन रहे हैं, तो इसमें पार्ट फोर तक मैं कंप्लीट आप लोगों को करके दे चुका हूं। और यह पार्ट फाइव जो है इसका अंतिम पार्ट है, इसमें इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसको कम्प्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 83 कम्प्लीट हो जाएगा। पार्ट फाइव है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 82 है और इसमें दिया हुआ है ड्रॉ द नेट ऑफ ए 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब बनाना है और वो 3 सेंटीमीटर का रहेगा। तो उसमें क्यूब में एक बॉक्स की तरह बनता है, डाइस की साइज का बनता है, और वो 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 82 और इसका सोल्यूशन ये है। और यहाँ पर एक ये ग्राफ पेज मैंने लिया है ताकि इसको उसके अनुसार आसानी से बना सकूँ। यहाँ पे स्क्वायर साइज का ये दिया हुआ रहता है, इसमें जो एक घर बना हुआ रहता है स्क्वायर साइज का रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इधर से भी 3 सेंटीमीटर, इस तरह से बॉक्स लिया गया है। और यहाँ से ये जो है फिर इसको मिलाया गया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा गया है, और इसको इस तरह से ये एक क्यूब बना दिया गया है। तो इसका आंसर इस तरह से आप बना सकते हैं। और 3 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर इसको दर्शा दिया गया है कि ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 83 में, गिवन 10 मार्बल्स क्रिएट 2 ट्रेंगुलर नंबर्स। 10 मार्बल्स दिया हुआ है और उसमें से 2 ट्रेंगुलर नंबर निकालना है। तो ट्रेंगुलर नंबर के लिए यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें 10 मार्बल्स दिया हुआ है, तो ट्रेंगुलर नंबर के लिए सबसे फर्स्ट में जो है वन मार्बल हम यहाँ रखते हैं, ये हो गया 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जब जाएंगे तो 1 मार्बल मेरे पास इस तरह से रखा हुआ है। अब जो है 1 रखने के बाद यहाँ नीचे में 2 रखते हैं, ये एक ट्रेंगुलर बन गया। तो यहाँ पे कितने मार्बल्स लगा, यहाँ पे 3, ये हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद फिर इसी तरह से बनाते हैं 1, 2 और ये 3, ये हो गया। और इसके बाद हम 1, 2, 3, तो यहाँ पर कितने मार्बल्स लगा, 6। तो ये एक ट्रेंगुलर बन गया, इसमें 3 और 6 नंबर का 2 ट्रेंगुलर बन गया यहाँ पे। तो 2 ट्रेंगुलर नंबर्स हो जाएगा 3 और 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 ट्रेंगुलर नंबर्स और 3 और 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 में हम लोग पढ़ते हैं, फाइंड, यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है ए नंबर में 9th स्क्वायर नंबर और बी नंबर में 14th ट्रेंगुलर नंबर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 84 को। ए नंबर में दिया हुआ है 9th स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे 9th स्क्वायर नंबर निकालने के लिए सिंपली इसमें विशेष कुछ नहीं करना है, 9 का स्क्वायर निकाल देना है। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × 9 = 81। तो 9th स्क्वायर नंबर 81 हो जाएगा, ये 81 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इसी में दिया हुआ है, बी नंबर लेते हैं या क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 14th ट्रेंगुलर नंबर। तो इसके निकालने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लेते हैं और इसके द्वारा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ट्रेंगुलर नंबर निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, एन हो गया n × n+1/2। इस तरह से हम लेते हैं तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें क्या करना है, n मेरे पास क्या है, 14, तो 14 को यहाँ n के जगह पे रख लेते हैं 14, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और ये 14+1/2, तो ये कितना हो गया, 14 × 15/2। तो इसको काट लेते हैं, 2 × 7 = 14 हो गया। तो यहाँ पे 15 और 7, तो 15 × 7 = 105। तो 14th ट्रेंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, 105। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। यहाँ पे 85 में क्या कह रहा है, कंप्लीट द पैटर्न। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न पे आप ध्यान देंगे, पैटर्न 1 लिखा हुआ है, इन 2 और 8+1, तो ये 9 हो गया। फिर यहाँ पे 1, 2
और इंटू 8 प्लस 2 98 हो गया, यहाँ पे 9 8 फिर 7 फिर यहाँ पे 7 हो गया तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 8 यहाँ पे चल ही रहा है, और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब सीरियल नंबर से चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 8 7 6 और यहाँ पे आ गया 5, ये 5 बढ़ गया है तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 4 जाएगा, तो यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 ये हो गया। इस तरह से इन दोनों का आंसर ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, यहाँ पे इसका आंसर हो गया, पैटर्न कंप्लीट हो गया। 86 क्वेश्चन नंबर 86 पे ड्रो ए बॉर्डर पैटर्न यूजिंग द लेटर एस, यहाँ पे एस लेटर को यूज करते हुए एक पैटर्न बनाना है, एक बॉर्डर का पैटर्न बनाना है, तो इसको मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, यह पिक्चर और इसमें जो है बुक में ही दिया हुआ है तो आप इसके अनुसार से बना सकते हैं। एस का ये पैटर्न बना हुआ है जिसमें कि इसको रिफ्लेक्ट करके दिखाया गया है, तो इस तरह का पैटर्न आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को हम लोग पहले पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है तो इसमें 5 बच्चे मैथमेटिक्स में मार्क्स लाए हैं उसका एक टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स अलग अलग नाम दिया हुआ है और मार्क्स उसने जो मार्क्स मैथमेटिक्स में प्राप्त किया है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट इट बाय ए बार ग्राफ, तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको बार ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो बार ग्राफ वैसे मैं आप लोगों को कई सारे बना के दिखा चुका हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसका जो आंसर है इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बार ग्राफ का ये बना हुआ है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा आ नहीं पा रहा है, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 87 का सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देना है कि ये बार ग्राफ किस चीज़ का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथमेटिक्स बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए नंबर्स यहाँ दिया हुआ है, और ये नंबर का ये दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा है ऑब्टेंड मार्क्स, तो जो मार्क्स प्राप्त किया गया है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिया गया है 5 10 5 का डिफरेंट लिया गया है, और सबसे ज़्यादा नंबर जो है 48 प्राप्त किया गया है, तो इसीलिए 50 तक का यहाँ पे डाटा दिखाया गया है, और ये हो गया नाम दिया हुआ है रजत विक्की निम्मी राहुल और पिंटो, तो इन लोगों ने जितना नंबर गेन किया है उसके अनुसार से ये बना हुआ है, यहाँ पे 48 हो गया, उसके बाद विक्की 35 नंबर का, ये 35 हो गया, और निम्मी 40 नंबर, राहुल 25 और पिंटो यहाँ पे 42, तो इस तरह से ये बना हुआ है, आप इसके अनुसार बना सकते हैं या फिर डिफरेंस भी ले सकते हैं, आप 10-10 का लेके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ेंगे, इसमें भी सेम वही चीज़ बता रहा है, द सेल ऑफ शूज इन पेयर्स ऑफ ए शॉप इज गिवेन बिलो, एक दुकान में वहाँ पे शूज का पेयर मतलब जूतों का जोड़ा जो है वहाँ पे इस तरह से बिकता है, और रिप्रेजेंट इट बाय ए बार ग्राफ, इस तरह से इसको टेबल में दिया हुआ है और इसको भी बार ग्राफ में दिखाना है, तो डेज हो गया किस दिन में कितना बिका है, नंबर ऑफ शूज तो मंडे को 8 ट्यूजडे को 10 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको भी मैं आपको बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 88 का सोल्यूशन, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सेल ऑफ शूज इन पेयर्स इन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में जूतों का जोड़ा जो बिका हुआ है उसका हो गया नंबर ऑफ शूज, और नंबर ऑफ शूज इन पेयर में हो जाएगा, और डेज यहाँ पे दिया हुआ है डेज, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे यहाँ पे 6 डेज दिया हुआ है, और किस दिन कितना बिका हुआ है यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिया गया है, 2 सबसे ज़्यादा जो है सेल का नंबर जो है 12 दिया हुआ है, तो 14 तक इसको बनाया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है, तो यहाँ पे मंडे में 8 दिया हुआ है, ट्यूजडे में 10, वेडनेसडे में यहाँ पे 8 और 10 के बीच में तो 9 हो गया, यहाँ पे थर्सडे में यहाँ 4 5 हो गया, फ्राइडे यहाँ पे 8 8 हो गया, और सैटरडे को 12 हो गया, इस तरह से आप ये बार ग्राफ बना सकते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 89 को लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 ये दिया हुआ है, और एक पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इन ए शॉप, यहाँ पे ये जो पिक्टोग्राफ है यहाँ पे एक दुकान में अलग अलग प्रकार के फल है और कितने नंबर में है वो सब दिया हुआ है, तो यहाँ रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन ए टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म इसको बनाने के लिए कहा जा रहा है,
और यहाँ पे बताया जा रहा है हियर वन, इस तरह का जो सिंबल है, वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 10 फ्रूट्स। यहाँ पे जैसे ऑरेंज है, बनाना है, ये वाटरमेलन है, एप्पल है और ये पाइन एप्पल है, तो इसमें 3 सिंबल है, इसका मतलब है कि 30 हो गया, और जितना सिंबल है उसको 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 का ये सोल्यूशन है, यहाँ पर उसका टेबुलर फॉर्म बना हुआ है, ये फ्रूट्स हो गया, ये फ्रूट्स दिया हुआ है, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, एप्पल, पाइन एप्पल, इस तरह से, और यहाँ पे टेली मार्क्स हो गया, और नंबर ऑफ फ्रूट्स, ये और ये दोनों सेम ही रहता है, लेकिन इसको मार्क्स में दिखाया जाता है और यहाँ पे नंबर लिखा जाता है। इस तरह से ऑरेंज में या 30 हो गया, तो यहाँ पे 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 या 30 हो गया, यहाँ 80 हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा लेना है 10, फिर यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से इतना ज़्यादा लेना, आप इसमें जगह रख लेंगे तभी होगा। और इसमें वाटरमेलन 20 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4, 5 से 20 हो गया, इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 83 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही चैप्टर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों तक आप शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें इसी तरह का और भी कई सारे वीडियो आते रहता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।